और अगर बात कर लें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की, तो उसका आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस पर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पांच तारीख से ही 3 दिवसीय कार्यक्रम डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का, जो कि राजस्थान में पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आज दूसरा दिन है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। आतंकवाद विरोध पर चुनौतियों पर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जहां पर हम शांति की अपील करते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाए उस पर चुनौती पे नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर, ओवरऑल सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। चाहे वो फिर अपराध से रिलेटेड हो, चाहे वो डाटा गवर्नर से रिलेटेड हो, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी और 28 राज्यों के सभी जो अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, वो सब भी इस जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो आयोजन किया जा रहा है 3 दिन का, उसमें शिरकत करने वाले हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर में वो तस्वीरें आप तक न्यूज 18 राजस्थान पहुंचाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे। तो साइबर अपराध की बात कर रहे हैं या खालिस्तानी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह देश में बढ़ा और खालिस्तानियों का एक अलग डिमांड है कि उनको अलग एक सेपरेट राज चाहिए, उस पर भी चर्चा की गई। 3 जो नए कानून बनाए गए हैं उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। कॉन्फिडेंशियल माना जा रहा है काफी, ये जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और क्योंकि राजस्थान में पहली बार किया जा रहा है, इसलिए राजस्थान को सुरक्षा व्यवस्था से भी चाक चौबंद किया गया है। और अगर